हेलो एंड वेलकम जी। हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका सुपर संडे विद मोहित गौड़ और मैंडी क्या हाँ सुपर संडे विद मोहित गौड़ उर्फ मैंडी के सुपर संडे लाइव चैट में। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं मोहित हूँ तुम सबका या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट से मैंडी हूँ। खैर जो भी हूँ यही हूँ, तुम सबके सामने हूँ। तो आ जाओ जी, लाइव चैट करनी है। अपना अड्डा शुरू हो चुका है और अड्डा शुरू होता है आज के सबसे पहले हाय। आज के सबसे पहले हाय का अवार्ड जाता है रोशनी मोदक को, जिन्होंने कहा है हाय मोहित। तो हाय रोशनी, तुम्हारा सबसे फर्स्ट हाय है। और जूही जैन कह रही है हाउ इज यू मोहित। हाय जूही, मैं एकदम अच्छा हूँ और जस्ट अभी मेरे घर पर पहुंचा ही हूँ। तो याद रखो सुपर संडे विद मोहित गौड़ वाली लाइव चैट तो जी होती रहेगी, हर संडे को होके ही रहेगी। भले वो 8 बजे ना हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, रात के 12 बजे हो, तुम्हें नींद से उठाऊंगा, जगाऊंगा, पर कहूंगा कि आ जाओ भाई संडे को लाइव चैट करनी है, मेरे को तुम सबसे बातें करनी है, तुम्हें मुझसे बातें करनी है। तो ये तो होना है और होकर रहेगा हर संडे को। तो जी हाँ, आज थोड़ा सा लेट है पर लाइव चैट जरूर है। लेट है, कट लेट है, पर कोई बात नहीं, हम सब यहाँ पे मजे से सेट है। राइम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है जी। तो अभी मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ क्योंकि मैं बहुत थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है शूट का, पर कोई दिक्कत नहीं जी, आप सबके लिए लाइव चैट करनी है तो करनी है। तुम सभी बहुत थके होगे, तुम सबके बहुत सारे काम होंगे, पर सब छोड़कर मेरे से लाइव चैट करने आए हो ना, तो बस आ जाओ, मैं तुम सबका वेट कर रहा हूँ। तो कोमल बगुल कह रही है हाय मोहित, हाय कोमल, हाय निश्चय चौधरी, हाय पाराशर सिंह, कल पेपर है भाई। पाराशर तो पेपर है तो अभी तू अच्छे से पढ़ना और ऑल द बेस्ट तुझको मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से। तो एक बार जो भी अभी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं वो सब ऑल द बेस्ट कर दे, ऑल द बेस्ट कह दे पाराशर को। सूरज सिंह कह रहे हैं हाय मोहित। जानवी कामत कह रही है हाय। इंजीनियर ज्योति यादव कह रही माय इंस्पिरेशन, मेरे बड़े भाई। हाय ज्योति मेरी बहन, बहुत अच्छा लग रहा है तुझसे बात करके वापस से। अनुराग थापड़ कह रहे हैं हाय ब्रो, व्हाट इज द न्यू ट्विस्ट इन इश्क अनप्लग्ड। अनुराग ब्रो, ट्विस्ट तो बहुत सारे हैं पर अभी जो ट्विस्ट आने वाला है वो जो भी होगा वो आपको कल मंडे को 7:30 PM इश्क अनप्लग्ड देखना पड़ेगा चैनल वी पे, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। कौशनी सेन गुप्ता कह रहे हैं लव यू टू कौशनी। कजरी सोनी कह रही है हे मोहित, हाय कजरी। तो जी धीरे धीरे सब आ रहे हैं लाइव चैट पर, तो अभी धीरे धीरे कर आते रहो, मैं तुम सबका वेट कर रहा हूँ। लाइव चैट कहीं नहीं जा रही है, मैं ही तुम सबके साथ में हूँ, तुम सब मेरे साथ में हो, तो अभी वेट करते हैं। मोनिका मोहित जैन कह रहे हैं हाय। हाय प्रीति सिंह, हाय आयुल मुरानी, सॉन्ग प्लीज। हाय हर्ष पटेल, हाय अपर्णा मिश्रा, एकदम अच्छा हूँ मैं। वंदना शर्मा कह रहे हैं हाय मैंडी, हाय वंदना। हाय पार्थ पटेल कह रहे केमचो मजामा, एकदम मस्त फुल टू। ईशु तिलोकानी कह रही हाउ इज यू, मैं एकदम अच्छा हूँ ईशु, और तुम सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस से भाई। लाइव चैट करके तो मजा ही आ जाता है, मतलब दिल खुश हो जाता है मेरा। रिया पोदार कह रही है मोहित हाउ इज योर एक्सपीरियंस शूटिंग फॉर द शो। ठीक है, तो चलो आज के लाइव चैट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब तुम सब मुझसे सेशन क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा हलबड़ा रहा हूँ यार, बस एक्साइटमेंट ही समझ लो इसको अपनी। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में होगा कि तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे और मेरे हाथ में या मेरी नजरों में, अभी हाथ में तो कैसे है ना, मेरी नजरों में जो भी क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पर सबसे पहले ब्लिंक करेगा, बूम, वो क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। तो ठीक है, अपने क्वेश्चन सोच लो कि तुम्हें क्या क्वेश्चन करना है, कहना है कमेंट में, और उस एक क्वेश्चन का, उस दो क्वेश्चन का, उन जितने भी क्वेश्चन का मैं हो सकता है रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, शुरू हो जाओ, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है अभी के अभी। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन का। क्वेश्चन लाओ मैं आंसर दूंगा, और क्वेश्चन आ रहे हैं। कहां है क्वेश्चन, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। अनुराग सिंह भी कह रहे हैं हु इज योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड।
क्या क्वेश्चन पूछ लिया ये अनुराग सिंह भी तुमने, तो इसका आंसर दू क्या? चलो ठीक है देता हूँ। देखो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, तो देखो यार तो बहुत पर्सनल सा क्वेश्चन है पर इसका बड़ा मजेदार सा आंसर है, मजा आ रहा है मेरे को आंसर देने में। तो ठीक है तुमने पूछा तो बताता हूँ। वैसे तो अभी तक ऐसा हुआ है अपनी लाइफ में, फैक्ट बात है, जिससे भी प्यार हुआ ना वो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, मतलब वो या तो मतलब उसने इग्नोर मार दिया या फिर उसकी शादी हो गई या फिर मतलब मिली नहीं, तो ऐसा हुआ है अपनी लाइफ में। पर ऐसा भी हुआ अपनी लाइफ में कि किसी ने मतलब बोला कि यार आई फाइंड यू क्यूट, और मैंने कह दिया कि यार पहली बार कोई लड़की सामने से मतलब ऐसे से कह रही है, तो शायद यही अपना प्यार होगा लाइफ का। तो भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को अपनी लाइफ का प्यार दिलवा दिया। पर वो प्यार नहीं था, वो तो बस एक अट्रैक्शन था। तो वो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी थी, और लेकिन वो प्यार नहीं था इसलिए मैं उसे मतलब काउंट नहीं करता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को जो जिससे प्यार था वही मेरी वही गर्लफ्रेंड बनी होती, तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। पर हाँ मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो बनी थी उसका नाम था निष्ठा, तो हाँ वो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। तो अभी मोहित जैन कह रहे हैं उनका सेकंड सवाल है हूज योर करंट गर्लफ्रेंड, नहीं भाई अभी करंट में कोई भी नहीं है। अगर ये सच है कि मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी और उसका नाम था निष्ठा, तो ये भी सच है कि अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं एकदम सिंगल हूँ और एकदम खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और बहुत मजे में हूँ। निश्चय चौधरी कह रहे हैं आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर क्रश, तो मेरे क्रश के बारे में तो मैंने सबको बता ही रखा कि मेरा क्रश था और उसकी अभी शादी हो चुकी है। मेरे दो सबसे बड़े क्रशेज रहे लाइफ में और दोनों ही मेरे को नहीं मिले, तो कोई दिक्कत नहीं जी, ऐसा तो होता रहता है। क्रश तो ऐसी चीज है कि क्रश होता है फिर क्रश हो जाता है और फिर कोई दिक्कत नहीं, वापस से तीसरा चौथा क्रश भी होता रहेगा। दिल है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। और एक और लाइन है जो अपनी लाइफ पे मतलब मेरी और आप सबकी लाइफ पर फिट होनी चाहिए और फिट होती होगी, कि हम है राह ही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी की हो लिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम है राह ही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिलेगा ना अजी हम तो उसी के हो लिए। तो ऐसा लाइफ को फंडा होना चाहिए जी, जो भी प्यार से मिला हम तो उसी के हो लिए। तो प्यार करते जाओ, प्यार बांटते जाओ और लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करते जाओ। तो नेक्स्ट सॉन्ग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखता हूँ। क्वेश्चन है इश्क अनप्लग में आपको आपके पार्टनर के साथ कैसा फील करते हो, ये क्वेश्चन पूछा है पार्थ पटेल ने। तो मुझे जो मेरी पार्टनर है श्रुति प्रकाश, वो बहुत ही अमेजिंग इंसान है, बहुत फन लविंग पर्सन है रियल लाइफ में भी, और वैसा उसका कैरेक्टर कैसा है अंतरा जैसा, मतलब एकदम सीरियस और बहुत ही हम दोनों की नोकझोंक होती रहती है ना शो में, पर असल लाइफ में हम एकदम बेस्ट बडीज की तरह है। वो बहुत अमेजिंग पर्सन है, बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छी सिंगर परफॉर्मर है, डांसर है, एक्टर तो है ही, आप देख रहे हो कितनी अमेजिंग एक्टर एक्टिंग कर रही है। तो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है श्रुति प्रकाश, और बहुत मजा आ रहा है मेरे को सब उसके साथ में काम करके। शिवानी शर्मा कह रही कि आपका सॉन्ग फिर मुझे दिल से पुकार तो वॉज डेडिकेटेड टू समवन। शिवानी ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि ये सॉन्ग मैंने नहीं लिखा, ये सॉन्ग कुणाल वर्मा ने लिखा है, जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सबने सुना होगा हाँ हंसी बन गए हैं भी लिखा है। तो ये सॉन्ग उनका लिखा हुआ, उनका कंपोज करा, उनका रैपर या बालम का कंपोज करा हुआ सॉन्ग है, उनका बनाया सॉन्ग है, उनका लिखा हुआ सॉन्ग है। तो ये डेडिकेट अगर उन्होंने किसी को किया होगा तो उन्होंने किया होगा, और मैंने डेडिकेट किया तुम सबको। फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हले 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 थोड़ा सा सुधार तू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, शादी कब कर रहे हो? धीरज चौधरी पूछ रहे हैं भाई शादी कब कर रहे हो, अब बताओ ये कैसा सवाल हुआ। अरे अभी तो मैं बच्चा हूँ यार, अभी तो मैं 24 इयर्स का भी हूँ, अभी से कैसे शादी करवा रहे हो मेरी, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मतलब प्यार होना बाकी है, उस तरह का प्यार समझ जाओ किस तरह का यार तो उस तरह का प्यार होना बाकी है, उस तरह का प्यार जब होगा तब शादी भी हो जाएगी और बाकी सब चीजें भी होती रहेंगी, टेंशन नॉट। अभी तो अपना फोकस म्यूजिक पर है, अभी अपना फोकस तुम सब पे है, हम सब पे है, तो बस उसके मजे चल रहे हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम बहुत ही मैं तो भी कमेंट्स ही पढ़ पढ़ के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम
मतलब बहुत क्यूट क्यूट से है ना कमेंट्स है सबके, बहुत ही अमेजिंग से। जैसे जैसे डिम्पल कश्यप कह रही कि आपका शो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मोहित, और आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी का, आप दिल्ली कब आ रहे हो? शिवानी ये तो बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, पर इसका आंसर मेरे पास नहीं है, मुझे भी नहीं पता मैं दिल्ली कब आ रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई शो होता है, प्रमोशन होता है, कोई कॉन्सर्ट होता है, सबसे पहले आप सबको अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले शिवानी आप सबको और जितने भी लोग अभी मुझे दिख रहे हैं उन सबको पता चलेगा कि मैं दिल्ली कब आ रहा हूँ और कब दिल्ली में शो रहेगा। देवांग परमार कह रहे हैं हाउ डू यू मैनेज टू हैव सच अ क्यूट मुस्टैच? तो देवांग भाई तो क्यूट मुस्टैच के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट देवांग। सबसे पहले देवांग परमार को थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और एक क्यूट मुस्टैच रखने का रीजन या मतलब ये कैसे मैं कर पाता हूँ, कुछ नहीं भाई, अपने आप आ जाती है, अपने तो घर की खेती है तो आती रहती है ये, और मैं उसको मतलब मैनेज करता करने की कोशिश करता हूँ। पार्थ पटेल कह रहे हैं आपकी स्माइल ऐसी ही क्यों है, क्यूट हैशटैग क्यूट। तो पार्थ पटेल बस ऐसी है यार, ये तो मम्मी पापा की देना रहे यार, इतने इतने क्यूट से क्वेश्चन पूछ रहे सबके साथ, मेरे तो हंसी आ रही है क्वेश्चन सुन के, दिल खुश कर देता तू यार। आपकी बेस्टी आकाश गुप्ता कह रहे हैं आपकी बेस्टी कौन है स्कूल लाइफ की, इलेवेंथ की? मेरा बेस्टी नहीं थी, मेरा बेस्टी था स्कूल टाइम का और अभी भी है, उसका नाम है निखिल खंडेलवाल। तो निखिल खंडेलवाल उसका पेट नेम है नीटू, और उसकी वजह से मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया था, उसकी और चंद्रकला मैम की वजह से, चंद्रकला जोशी मैम जो मेरी इंस्पिरेशन रही थी सबसे पहले, जिनकी वजह से मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया था। और निखिल खंडेलवाल जो मेरा नीटू है, मेरी जान, तो नीटू की वजह से मैंने ये करना शुरू किया था। और प्रज्ञा पुरोहित कह रही रिप्लाई तो कर दो, प्रज्ञा अभी अभी रिप्लाई कर दिया मैंने, अभी क्या बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप सबके, तो मैं रिप्लाई सबको नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोशिश ये करूंगा कि आप सबके साथ मैं इंटरेक्ट करता रहूं और इसी तरह खूब सारी मस्ती करूं, और लाइव चैट तो हर संडे करता रहूंगा। तुम सबको अपने अपने मतलब टाइम शेड्यूल में डाल लो कि संडे है इसका मतलब, संडे इसका मतलब फंडे है, और फंडे का मतलब यह है कि मोहित के साथ में आज के दिन लाइव चैट होके रहेगी। तो जी हाँ, लाइव चैट होके रहेगी। तो मोहित वर्मा क्रेजियोस्ट कह रहे हैं मोहित मेरा नाम लोना से हाय यो मी, हाय टू मी। एक मोहित दूसरे मोहित का को हाय नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा और सबको हाय कहेगा। तो हाय सबको, और एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा जिसका मैं रिप्लाई करूंगा आज के दिन, और फिर मैं जाऊंगा सोने के, क्योंकि मेरे को नींद आ रही है और मैं जानता हूं तुम सबको नींद आ रही होगी। तो तुम सब भी रेस्ट करना, अच्छे से मजे करना। एक लास्ट क्वेश्चन जिसका मैं रिप्लाई करूंगा, और वो लास्ट क्वेश्चन किसका होगा देखते हैं किसका होगा वो लास्ट क्वेश्चन जिसका हम रिप्लाई करेंगे आज के दिन में, और फिर हम सब सोने जाएंगे। और वो होगा लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं किसका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इतने सारे कमेंट्स में। लास्ट क्वेश्चन है, अरे लास्ट क्वेश्चन क्या है बताओ ना जरा, लास्ट क्वेश्चन आप इतने अच्छे एंड क्यूट क्यों हो? नहीं, इसका आंसर तो तुम्हें ही पता है। कोई और क्वेश्चन मोनिका प्रियदर्शन कह रही है मोहित टेल मी अबाउट योर हॉबीज। हॉबीज के बारे में क्या बताऊं, हॉबीज सिंगिंग नहीं यार, ये भी सबको बताया। कोई ऐसा अमेजिंग सा क्वेश्चन पूछ रहे जिसका जवाब देने में मजा आ जाए मुझे, मतलब तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। वैभव किरणारकर ने कहा आपका इंस्पिरेशन शिवानी ने कहा आपका फेवरेट सिंगर कौन है? तो शिवानी को मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट सिंगर है अभी जो है, मेरे करंट फेवरेट सिंगर वो है अरिजीत सिंह का, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और यो यो हनी सिंह का तो जिंदगी भर रहूंगा। तो यो यो हनी सिंह और अरिजीत सिंह दोनों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी। और वैभव वैभव कह रहे हैं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? तो मेरी इंस्पिरेशन सर AR रहमान है, मेरी इंस्पिरेशन मेरा बेस्टी आकाश बवेजा है, मेरे अर्जित भैया है और मेरे नाना जी हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन, मेरे को लाइफ में बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों ने इंस्पायर किया है, उनमें से ये सबसे मेन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, उनका आंसर हो गया है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगा अनमोल शर्मा का, उन्होंने पूछा आपको कैसा लग रहा है एक्ट करना ऐसे फर्स्ट टाइम?
तो जी हाँ, इस ये क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहता हूँ कि मेरे को बहुत अमेजिंग लग रहा है, और अमेजिंग इसलिए नहीं लग रहा कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, अमेजिंग इसलिए लग रहा है कि तुम सबको मेरा एक्टिंग जो भी मैं कर पा रहा हूँ सब अच्छा लग रहा है, तुम सबको हमारा शो इश्क अनप्लग्ड अच्छा लग रहा है, तो ये जानकर मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो प्लीज देखते रहो इश्क अनप्लग्ड 7:30 PM ऑन चैनल वी, 7:30 PM मंडे टू फ्राइडे आएगा, और देखते रहो वहां पे मुझे एज अ मैंडी मनदीप शर्मा जी। तो आई लव यू ऑल, फ्लाइंग किस तो दे दो, बाय कह दो अच्छे से, बाय का कमेंट कर दो, बाय बाय कह रहा हूँ मैं, तुम सब भी बाय कह दो, अच्छा लगेगा मुझे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। अभी कल तो मिल रहे हैं एज मैंडी इश्क अनप्लग्ड और एज मोहित गौड़ और एज मैंडी लाइव चैट पर मिलेंगे हर संडे को इसी तरह से। तो आते रहना, मिलते रहना, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।